सो हे गाइस, दिस इज विष्णु एंड वेलकम बैक टू माय YouTube व्लॉग। कैसे आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7, मैं जल्दी इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि बहन को ले जाना है पेपर के लिए। और आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ था एंटॉर्क को लेकर कि माइल्स टेस्ट करना है उसका, तो मैं सोच रहा हूँ जितना दूर रोहिणी जाए ना तो क्यों ना माइल्स टेस्ट कर लें। सो बॉटल रेडी है, पाइप रेडी है, पेट्रोल निकालते हैं उसमें से 1 लीटर, और 1 लीटर पेट्रोल में अपनी एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड कितनी चलती है उसका आज माइलेज टेस्ट निकालते हैं। सो ये खड़ी अपनी एंटॉर्क सुपर स्क्वाड 125। विष्णु व्लॉग प्लीज सब्सक्राइब गाइस। माइलेज टेस्ट निकालते हैं इसका, पेट्रोल निकालता हूँ फटाफट से। अपना पेट्रोल रेडी है और मोटर व्लॉगिंग सेटअप भी रेडी है, थोड़ा चार्जिंग पे लगा दिया, थोड़ा सा कम था। और मम्मी ने दिया है लड्डू क्योंकि टेस्ट खराब हो गया मुंह का। पीछे खड़ी है, क्या हो गया? बसंत पंचमी है, टीका लगवा लो। ब्लाउज लगवा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। ऑल राइट गाइज, तो बाहर निकल आया मैं घर से, अब थोड़ा उजाला भी हो गया है, काफ़ी अंधेरे से ही ये फर्स्ट वीडियो होगी किसी की, क्योंकि माइलेज टेस्ट जो कर रहा हो इतने अंधेरे में स्टार्ट कर रहा होगा। सो अब तो उजाला हो गया है, 7:11 हो गए हैं और मेरे को जाना है रोहिणी की तरफ, उधर ही है इसका एग्ज़ाम सेंटर बहन का। सो अभी इसमें फ्यूल एम्प्टी का साइन आ गया है क्योंकि मैंने इसमें से पेट्रोल निकाला है 1 लीटर और बहुत कम है, तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ अपना 1 लीटर पेट्रोल फिलिंग करेंगे और इसका निकालेंगे आज फुल ऑन प्रॉपर तरीके से माइलेज टेस्ट। क्योंकि एंटॉर्क को लेकर लोगों में बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। कोई तो कहता है 15 का ही एवरेज देती है, माइलेज देती है, और कई लोग कहते हैं 30 देती है, 35 प्लस देती है, क्योंकि इसका इंजन जो है परफॉर्मिंग इंजन है, काफ़ी बढ़िया पिकअप है इसका, साउंड के लिए तो जाना जाता है इसका जो साउंड है, और स्कूटी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही आज क्लियर करेंगे इसका माइलेज टेस्ट। मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं अपने 5000 किलोमीटर कवर करने के बाद एंटॉर्क के ऊपर, और इसकी 4 सर्विस जो होती हैं, 4 पहले की शुरू की फ्री सर्विस जो होती हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, 1 मैंने पेड सर्विस भी करवा ली है। बट इसमें जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है, और स्कूटियों से 125 सीसी की सेगमेंट की जितनी भी स्कूटी हैं उनसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाली है ये स्कूटी, और इसका पिकअप बहुत ज़्यादा हाई है। स्कूटी बंद, पेट्रोल ख़त्म। स्टार्ट हो, एक सेकंड भाई साइड कर, बीच में ही बंद हो गई। बड़ी मुश्किल से ख़त्म हो पाया, बहुत चला दी इसके चक्कर में, बहन को छोड़ दिया उसके स्कूल, इसके बाद भी चलाता रहा, तब जाके बंद हुआ है। अब मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। हो गई भाई स्टार्ट, चलाते हैं अभी और। लेकिन अब चलेगी नहीं ये, अब फिर बंद हो गई है, अब फिलिंग करनी पड़ेगी, खाली में ज़्यादा सेल्फ मारना बेकार है। ठीक है ना, तो अब इसको फिल करते हैं, डबल पे लगा दूँ, बोतल निकालते हैं। तो ये अपना 1 लीटर पेट्रोल, इसको करते हैं फिल। फैलना नहीं चाहिए लेफ्ट, पहले ही फैल गया बोलने से पहले ही, एक तो इसका टैंक की अलग हिसाब गया। सही है, सो हमने डाल दिया अब इसमें 1 लीटर पेट्रोल, अब निकलेगा इसका माइलेज टेस्ट।
और हो जाएंगे सबके क्वेश्चन सॉल्व। जो कहते हैं देता है पेट्रोल, ये केवल 15 का माइलेज पेट्रोल से, 20 का माइलेज एंड टॉर्क, 30 का माइलेज, मेरे हिसाब से ये जाएगी अब 30+, इससे कम नहीं जाना चाहिए। आप इसको नोट करो, आप ऑडोमीटर चेक करो, 5489, ठीक है 5489, ये मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट 5489 से। अपना आज का एंटॉर्क 125 का माइलेज टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सुपर स्क्वाड एडिशन है ये घड़ी, अपनी फीलिंग एंटॉर्क 125। तो स्टार्ट करते हैं आज के इसके माइलेज टेस्ट को। 5489 ओडोमीटर पे हो रहे हैं, देखते हैं कितना किलोमीटर चलती है। ये हो गई अपनी स्टार्ट स्कूटी, और यहाँ से मैं चलाता रहूँगा अभी से। माइलेज टेस्ट निकालना भाई आसान काम थोड़ी ना है, राइड पे निकले हो तुम्हें पता है एक लोकेशन है, एक एग्जिट लोकेशन पे पहुँचना है, 200 किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर चलना है, बंदा पकता नहीं है। इसमें कुछ पता नहीं है, ये क्या कह रहे थे भाई इसमें कुछ पता नहीं है, आपने 1 लीटर पेट्रोल डाल लिया है, अब आपको चलते रहना है, अब आपको इसको ख़त्म करना है हर हाल में, तब आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आदमी बोर हो जाता है। अब मैं लास्ट कई वीडियोस माइलेज टेस्ट भी ला रहा हूँ अपने, सबसे पहले अपनी इमोशन एमआरएक्स 155 का निकाला, फिर एक्सेस 125 का निकाला। आपने देखा हो नहीं देखा हो सो प्लीज़ गाइस जाकर वाले वीडियो देखो, बढ़िया रिज़ल्ट आए हैं सबके, शॉकिंग रिज़ल्ट आए हैं। और E20 पेट्रोल के साथ निकाला था वो वाला, तो और उसके बाद मैंने लास्ट संडे राइड किया है, तो वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो देखो। बहुत बड़ा मीटअप था, बहुत सारे लोग आए थे, एक नए ग्रुप के साथ कोलैब भी किया था हमारे ग्रुप ने, अराउंड 30 राइडर थे, सब बैठ के बात करी उनसे, और एक बढ़िया राइड की प्लानिंग का चल रही है। बाकी आते हैं इस वाले माइलेज टेस्ट पे आज की वीडियो पे। तो हमारे हाथ में आज अपनी इमोशन नहीं फीलिंग, अपनी एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड मॉडल। और इसकी बात कर ले तो इंजन की बात करें तो इसका इंजन है 125 सीसी का 3-वॉल्व CVTi। और पेट्रोल टैंक की बात करें, पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है 5.8 लीटर, जिसमें हमने फिलिंग की है 1 लीटर की, और निकालेंगे आज इसका माइलेज टेस्ट। इसके ऊपर भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक पावरफुल इंजन और परफॉर्म 125 सीसी के जो स्कूटर होते हैं उसमें देखा जाए, 125 सीसी के स्कूटर में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और इसका एक तो मस्ट रीज़न मेरा यही था कि इसका पिकअप जो है ना वाकई सबसे बहुत हाई है, एक्टिवा और जुपिटर से तो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद बात करें इसकी साउंड की, भाई जो साउंड है ना इसका एग्जॉस्ट का, ओके हमें जाम भी मिल गया है थोड़ा सा, तो इसमें हमें अच्छा माइलेज निकलेगा। हर कंडीशन में चलाने वाला हूँ मैं इसे, ट्रैफिक में, हाईवे पे, गलियों में, ऑफ रोड में, सब मैं चलाऊँगा धीरे धीरे, हर जगह ले जाऊँगा। तो मैं कह रहा था इसका एग्जॉस्ट, हाँ एक मस्त रीज़न मेरा ये आ गया था एग्जॉस्ट का, इसका जो साउंड है ना भाई वो थोड़ा अलग है। सो गाइस हमने स्टार्ट किया है 5489 से, और अब हो गया 5494, इट मींस 5 किलोमीटर चल गए हैं अब। सो मैं आ गया अब आउटर रिंग रोड पे, अब यहाँ से मेरे को रास्ता मालूम है। और हमने स्टार्ट किया था, फिर बता देता हूँ, 5489 से, अब हो गई अपनी एंटॉर्क 5498, उल्टा हो गया डिजिट, इट मींस 8 और 1 9 किलोमीटर चल लिए हैं, गलियों में चल लिए, अब चल रहे हैं थोड़ा ट्रैफिक में। चलिए जी, तो अब रोड थोड़ा खाली है तो इसको थोड़ा चला लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ें इंक्लूड होंगी माइलेज टेस्ट में, तभी माइलेज टेस्ट प्रॉपर तरीके से आएगा। एबिलिटी इसके अंदर इतनी है पूछो मत, मैं आपको चेक कराता हूँ, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो इतनी स्टेबिलिटी है इसके अंदर। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको इसकी टॉप स्पीड भी चेक कराई दी जाए इसके अंदर, क्योंकि अब मिलेगा मेरे को यहाँ से खाली रोड। यार सच में 100 से बाहर नहीं लेके गया मैं कभी,
ओ भाई साहब, मतलब 105 तो टच कर जाएगी ये भी। बाकी हमने कर लिए हैं 5508 किलोमीटर ये, और उधर 11 किलोमीटर, यानी कि हमने कर लिए हैं 19 किलोमीटर कवर अभी तक। सो गाइज, ऑडोमीटर पे हो गया है 5512, हमने स्टार्ट किया था 5489 से, तो 11 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर इधर, कितना हो गया, 22 किलोमीटर हो गया गाइज। आपके पाल विष्णु व्लॉग है ना, माइलेज टेस्ट निकाल निकाल के लेकर आ रहे हैं, हर एक स्कूटी कोई नहीं छूटेगी, कमेंट में बता दो। बस ये बर्गमैन को छोड़ के पता नहीं क्यों एक गुस्सा सा आता है इसे देख के। अगर भाई बहुत बेकार स्कूटी है, मेरे को लास्ट कहाँ उसमें एक्सेस में भी कमेंट आया था भाई बर्गमैन मत लेना कुछ भी करना। तो अब हो गया है ऑडोमीटर पे 5517, तो 17 इधर और 11 उधर कितना हो गया, 18 किलोमीटर हो गया, 18 इधर और 11 उधर कितना हो गया, 19 और 10 29। सो अपनी एंटॉर्क चल गई है गाइस 29 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, 19 और 11 30 किलोमीटर, अभी माइलेज मस्ट गो ऑन, और अगेन वी आर इन ट्रैफिक। सो गाइस, सिटी में भी राइड कर ली, ट्रैफिक में भी कर ली, गलियों में भी कर ली, हाईवे पे भी कर ली, माइलेज के लिए अब रह गया था ऑफ रोड। सो ये जो रास्ता है और ये रोड है जो ऑफ रोड से कम नहीं है, सो इसमें भी चेक कर लेते हैं। बाकी ऑडोमीटर पे हो गया है 5523, हमने स्टार्ट करा था 5489 से, सो 23 किलोमीटर इधर और 11 किलोमीटर उधर कितना हो गया, 34 किलोमीटर हो गया भाई अभी तक। अभी तो और चलेगी बिकॉज अभी हुआ है स्टार्ट थोड़ा सा ऑफ रोड, और भाई थोड़ा माइलेज का इफ़ेक्ट आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्कूटी को उस पर भी पड़ जाता है, टाइम टू टाइम सर्विस। और सर्विस की बात आई है तो भाई सर्विस बता दूं, मैंने इसकी 4 सर्विस करा ली हैं, 3 फ्री वाली, 1 पेड सर्विस कराई है। इसमें मैंने 4 स्टॉक इंजन ऑयल डलवाया है जिससे कि ये परफॉर्मेंस और बेटर करता है, नॉर्मल इंजन ऑयल से थोड़ा बढ़िया रहता है और किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं। अगर आपकी नेक्स्ट सर्विस, मान लो मेरी मैंने करवाई थी 5000 रुपये, 5100 रुपये करवाई थी, अब नेक्स्ट सर्विस मेरी सीधा होगी 10000 रुपये, और बाकी आप कोई वैसा इंजन ऑयल डलाते हैं ठीक ठाक सा, नॉर्मल नहीं कहूँगा, ठीक ठाक सा भी कहोगे तो 2000 चल जाएगी, 1500 चल जाएगी, ये आप डबल कर सकते हैं। ओए ओए ओए, आराम से भाई, मेरे को देखने के चक्कर में अभी ट्रक में आ जाता। लो जी गाइस, एक बार फिर से हाईवे पे, ऑफ रोड ख़त्म, एक बार फिर से रोड पे ले आए हैं, और ऑडोमीटर पे हो गया है 5525, यानी कि 25 किलोमीटर इधर और 11 किलोमीटर उधर, तो अपनी चल गई है 36 किलोमीटर। सो गाइस, चलाते चलाते दोपहर हो गई है, 12:06 हो गए हैं, और ऑडोमीटर हो गया अपना 5531, और हमने स्टार्ट किया था 5489 से 5889। सब बता दिया भाई, इंग्लिश हिंदी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो हमने चला लिया 31 इधर और 11 उधर, 42 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। सो गाइस, हमने कवर कर लिए हैं 46 किलोमीटर्स इन 1 लीटर पेट्रोल, अभी भी चल रही है स्कूटी आराम से, सो हो सकता है 50 भी टच कर ले। तो वीडियो देखते रहो एंड तक, रिजल्ट आने वाला है, बस कुछ ही देर बाकी है। सो ऑडोमीटर पे हो गया 5538, इट मींस हमने कर लिए हैं गाइस 49 किलोमीटर्स कवर 1 लीटर पेट्रोल में एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड के साथ। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, अभी और चलानी है 2-3 किलोमीटर और चल जाए भाई, मज़ा आ जाएगा, 50 क्रॉस कर जाएगी, मतलब एक्सेस का 47 आया था। तो ऑडोमीटर पे हो गया 5538, इट मींस हमने कर लिया गाइस 49 किलोमीटर्स कवर 1 लीटर पेट्रोल में एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड के साथ। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, अभी और चलानी है 2-3 किलोमीटर और चल जाए भाई, मज़ा आ जाएगा, 50 क्रॉस कर जाएगी, मतलब 49 किलोमीटर कवर हो गए हैं, 50 तो
पहुंचे भाई, मजा आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी चलना है। 39, कांग्रेस गाइस, 50 तो हो गया अपना, 50 किलोमीटर हो गया, क्योंकि ऑडोमीटर पे हो गया 5539, हमने स्टार्ट करा था 5489 से, तो 50 किलोमीटर तो हमने कवर कर दिए हैं 1 लीटर पेट्रोल के साथ। अब बोनस में जो आ जाए वो आ जाए, लेकिन ये हो रही है भाई बंद, नहीं चल रही है वो फुल रेस के साथ भी। एग्जैक्ट 50 पर आ गया, एक बार स्टार्ट बंद ही हो गई, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो यार साइड स्टैंड पे स्टार्ट नहीं होती, डबल पे लगानी पड़ेगी, एक बार सेल्फ लगाता हूँ। हो गई स्टार्ट, तो चलाते हैं अभी जहाँ तक चलेगी। इतना तो मेरे को भी आइडिया नहीं था जितना ये रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया। लेकिन अब नहीं चल रही भाई, ये लास्ट सांस थी इसकी। तो इतना ही है गाइज, इतना ही है 39। ऑडोमीटर चेक कर लो एक बार, आपके सामने 5539 और हमने स्टार्ट करा था 5489 से, तो 11 किलोमीटर उधर और 39, ये 39 प्लस 11 पूरे प्रॉपर 50 किलोमीटर चली है अपनी, एंड टॉर्क 1 लीटर पेट्रोल में। सो गाइस रिजल्ट आपके सामने आ गया और मैं भी घर पे आ गया हूँ, क्योंकि वहां पर रोक कर आपको बताता तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, शोर शराबा ज्यादा, तो मैंने कहा घर चल के बात करते हैं। तो रिजल्ट बहुत शॉकिंग है, 50 किलोमीटर चल गई अपनी एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड 1 लीटर पेट्रोल में, काफी शॉकिंग रिजल्ट निकला है। मेरे का इतना आइडिया नहीं था, मेरे था 35-40 के अराउंड आएगी, बट 50 पहुंची है, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आया है। और आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेक योर डिसीजन, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो खरीदें, और बाकी कमेंट में बता दें नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए, कैसी वीडियो पर किसका माइलेज चाहिए, जो भी चाहिए आप जो भी कहेंगे वैसा हो जाएगा। बाकी अपनी राइड तो कंटिन्यूस चल रही है, उन वीडियोस को भी लाइक दो और इन वीडियोस को भी लाइक दो, सपोर्ट करते रहो, जो नए आए सब सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल जरूर रखना, बाय।